अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्योर मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी। बाजार से तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो जाएगी। आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने जूसर जग ले लिया है, इसमें मैं 1 कप मैंगो के स्लाइस ऐड कर दूँगी। मैंगो जो आपने लेना है वो आपने मीठा लेना है, मीठा नहीं होगा तो आपकी आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। मैंने यहाँ पर होममेड कंडेक्स मिल्क ले लिया है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूँगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, इससे आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। ये देखें, अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर 1 कप व्हिपिंग क्रीम ले ली है। व्हिपिंग क्रीम आपने ठंडी लेनी है, गर्म बिल्कुल भी नहीं लेनी, नहीं तो आपकी अच्छी तरह से व्हिप नहीं होगी। इसको मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी, पहले लो स्पीड पर फिर मीडियम स्पीड पर। व्हिपिंग क्रीम को मैं इतना बीट करूँगी कि इसके सॉफ्ट पीक्स बन जाए। व्हिपिंग क्रीम मैंने कौन सी ली है, ये मेरे चैनल पर इसकी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखें, सॉफ्ट पीक्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। 2 मिनट इसको और बीट करेंगे। व्हिपिंग क्रीम अच्छे से बीट हो चुकी है, इसके सॉफ्ट पीक्स बन गए हैं। अब मैंने जो मैंगो प्यूरे बनाया था कंडेंस मिल्क ऐड करके, इसमें ऐड कर देंगे सारा। अब मैं इसको भी बीट कर लूँगी। आइसक्रीम का मैंने प्योर कलर रखा है, अगर आप इसमें फूड कलर ऐड करना चाहते हैं तो 1 to 2 ड्रॉप आप येलो फूड कलर के डाल सकते हैं, मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। आइसक्रीम यहाँ पर अच्छे से बीट हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर मैंगो के स्लाइस ले लिए हैं, 1/2 कप मैंने यहाँ पर लिए हैं, ये इसमें ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें वरना रहने दें। आइसक्रीम यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर आइसक्रीम बॉक्स ले लिया, इसमें ऐड कर दूँगी। आपके घर में कोई भी बॉक्स पड़ा हो आप उसमें डालकर इसको फ्रीज कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से अब सेट कर लिया है। अब मैं इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर दूंगी। आप ओवरनाइट के लिए नहीं कर रहे तो आप 7 से 8 घंटे के लिए इसको फ्रीज़ ज़रूर करें, तभी ये अच्छे से फ्रीज़ होगी। आइसक्रीम यहाँ पर अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी है, देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्रीज़ होकर ये सेट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने आइसक्रीम स्कोप ले लिया, इसकी मदद से मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखें कितनी सॉफ्ट है हमारी आइसक्रीम, इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं बने। अब मैंने यहाँ पर बाउल ले लिया जिसमें मैंने इसको सर्व करना है। बहुत ही ज़्यादा मज़े की हमारी मैंगो आइसक्रीम तैयार है। इसको जल्दी से बनाएं और इंजॉय करें, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। अगर आपको मेरी आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।